हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें हमने दो लेक्चर आपको पढ़ा है। पहला लेक्चर में कुछ फार्मूला ड्राइव किया था, बाकी का फार्मूला इसको हमने दूसरा लेक्चर में ड्राइव कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ लिखते भी जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर साइन 3x। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर साइन 3x, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तब आपको निकालना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा। ठीक है, देखिए हमको दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है रूट अंडर दिया हुआ साइन 3x। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि x में जितना लेफ्ट में चेंज होगा उतना ही राइट में चेंज होगा। तो इसमें क्या करते हैं, x में चेंज कर देते हैं x प्लस एच, तो इधर भी हो जाएगा रूट अंडर साइन 3 इंटू एक्स प्लस एच। तो इसको और अच्छे से लिखें तो आप ये बोल सकते हैं f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हैं ना कि हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है, रूट अंडर साइन 3x प्लस साइन प्लस 3h। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट अंडर साइन 3x अपॉन में हो जाएगा h। अब देखिए ये आ गया लिमिट का प्रॉब्लम आ गया। लिमिट में क्या है, ये 0/0 फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का है। रूट में भी देख रहे तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ इसका। तो देखिए रेशनलाइज करूँगा ना जैसे इसको, तो लिमिट एच टेंस टू 0 रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h माइनस रूट अंडर साइन 3x। ठीक है, ये और इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h और प्लस में रूट अंडर साइन 3x। नीचे में भी आ जाएगा कितना, जिससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई किए इससे तो डिवाइड भी कर देंगे इसे, तो रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h प्लस रूट अंडर साइन 3x। अब यहाँ पे तो अपने को एच था तो एच रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन हो गया इसका। अब क्या करते हैं, इसको फार्मूला का यूज करते हैं, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी और या रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी। तो इसका हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर ऐसे है, ए माइनस बी हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं इसमें। अब देखिए तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, ये ढक्कन हटेगा। ठीक है, ढक्कन हटेगा तो अंदर वाला बच जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x और क्या बनेगा आपको, और बन जाएगा नीचे में तो h बनेगा और इंटू रूट अंडर साइन 3x प्लस 3h प्लस रूट अंडर साइन 3x, ये बन गया। अब क्या कहता है दिमाग, देखिए ऊपर में साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बोल रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको अगर c मान ले तो ये d हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दीजिए।
तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी, थ्री एक्स प्लस थ्री एच प्लस थ्री एक्स बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी, सॉरी हाँ ठीक है, साइन सी माइनस डी, सी कितना है थ्री एक्स प्लस थ्री एच माइनस का थ्री एक्स बाय टू, और इंटू में नीचे है एच इंटू डिवाइड में क्या है रूट अंडर साइन थ्री एक्स प्लस थ्री एच, और प्लस में रूट अंडर साइन थ्री एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तीसरे को काट देते हैं, ठीक है, और थ्री एक्स और थ्री एक्स क्या हो जाएगा सिक्स एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स और थ्री एक्स क्या हो जाएगा सिक्स एक्स, तो इसको ऐड कर दीजिए सिंपल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा टू कॉस कॉस और ये सिक्स एक्स प्लस थ्री एच बाय टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री एच बाय टू हो जाएगा ये, और यहाँ क्या बनेगा कि साइन थ्री एच बाई टू, ठीक है, एंड टू में हो जाएगा रूट अंडर साइन थ्री एक्स प्लस थ्री एच, और प्लस में रूट अंडर साइन थ्री एक्स, और ये क्या कहते हैं इंटू एच जो है ना यहाँ यहाँ पे जो है था इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा होगा क्या ना कि हमको जैसे एच टेंस टू जीरो करेंगे यहाँ भी टेंस टू जीरो आता है और नीचे में भी एच टेंस टू जीरो आता है, तो हम चाहते हैं साइन के एंगल में जो चीज़ हो वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कमी क्या है हमको थ्री बाई टू नहीं है, तो हम क्या करते हैं थ्री बाई टू से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे में भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा थ्री बाई टू ऐसे करा दिए। तो अब देखिए अब क्या होगा ना कि ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि ये वन बनने जा रहा है, ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा ये वन बन जाएगा, जैसे ही वन बनेगा और यहाँ दिख रहा है ये टू से ये वाला टू भी कट जाएगा, तो इस टू से ये वाला टू भी कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा कॉस देखिए सिक्स एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री एच बाई टू हो जाएगा इंटू थ्री, तो थ्री मैं इधर कर लूँ और कितना हो जाएगा आपको रूट अंडर साइन थ्री एक्स प्लस थ्री एच और प्लस रूट अंडर साइन थ्री एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप डालने पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही डालेंगे एच टेंस टू जीरो डालिए, यहाँ जीरो डालेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा तो यहाँ कोई दिक्कत हमको है नहीं, तो अब डालते हैं जीरो, तो ये हो जाएगा थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस जीरो अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन थ्री एक्स प्लस जीरो और प्लस में रूट अंडर साइन थ्री एक्स, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए जरा, ये हो जाएगा थ्री कॉस थ्री एक्स और यहाँ गया टू रूट अंडर साइन थ्री एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइन थ्री एक्स और ये भी साइन रूट अंडर साइन थ्री एक्स, ये भी रूट अंडर साइन थ्री एक्स, ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा टू और रूट अंडर साइन थ्री एक्स, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अब देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, तो हमको निकालना है देन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिखते हैं, अच्छा पहले रुक जाइए, पहले फॉर्मूला लिखने से पहले इसको लिख लेते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू सॉल्यूशन है इसका एफ एक्स इक्वल टू साइन थ्री एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, सॉरी थ्री एक्स नहीं, ऐसे लिख भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट नहीं लिखा हुआ तो छोड़ दीजिए कॉस एक्स, ठीक है।
ध्यान दे रहे थे आप लोग। ठीक है देखिए लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम क्या निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच जो हो जाएगा अपना साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है अब ऐसा हो गया, अब हमको क्या चाहिए एफ डैश एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स का अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो अब इस फार्मूला के यूज करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू लिखा हुआ है कितना साइन एक्स प्लस एच और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा आपको ये वाला साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन में एच आ जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कई लोग उलझ जाते हैं कि यहाँ सॉल्व करने में उलझ जाते हैं, लेकिन हमको उलझना नहीं है। हम ऐसा ना करेंगे कि साइन साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स को एक साथ रख देंगे, ऐसा करने से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। सॉल्व तो हो जाएगी बट थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी मैं बता दूँ, क्योंकि ये साइन का टर्म आ जाएगा ये कॉस का टर्म आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो ये कॉस का ये साइन का दोनों अलग अलग टर्म आ जाएगा। तो वहाँ पे आप साइन से माइनस साइन डी या कॉस से माइनस कॉस डी लगाने के लिए एक साइन को या तो कॉस में बदलना होगा या तो कॉस को आपको साइन में बदलना होगा। तो ऐसा ना करते हो हम क्या करते हैं साइन वाले को साइन के साथ लिखते हैं और कॉस वाले को कॉस के साथ लिखते हैं ताकि हमको ऐसा दिक्कत ही ना आए। तो भाई क्या हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच और भाई क्या हो गया यहाँ साइन एक्स और प्लस यहाँ प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स और अपॉन में एच हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है ये कि मेरे को लगा दो कौन सा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी और ये बोल रहा है मेरे को यूज करो कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अपन दोनों फार्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है यूज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है ऊपर लिख लेते हैं अब देखना अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि लिमिट एस टेंस टू जीरो अब क्या करते हैं साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ देखो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दीजिए। तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाते हैं तो क्या करते हैं ना अपन कि देखें हाँ टू साइन सी प्लस डी तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी तो डी कितना है एक्स माइनस सी करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है अपॉन में सारे के अपॉन में क्या आएगा एच आएगा एच तो है यहाँ से देखिए एक्स एक्स ये कट रहा है और कहीं कट रहा है क्या हाँ यहाँ पे भी कट रहा है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ लिमिट एस टेंस टू जीरो टू कॉस ये टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू यहाँ पे क्या बन गया भाई यहाँ बन गया साइन एच बाई टू। ठीक है और यहाँ क्या मिल रहा है अपने को यहाँ देखिए अगर यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को मैं रुकता हूँ अभी यहाँ देखिए साइन यहाँ एक्स एक्स तो कट चुका है ये क्या बना हुआ साइन माइनस एच बाई टू तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस क्या बना लेगा माइनस बना लेगा तो माइनस में टू साइन टू एक्स प्लस एच बाई टू एंड टू साइन एच बाई टू और ये सारे के अपॉन में तो अभी अपना एच चल ही रहा है। तो अब देखिए अब क्या करना है मेरे को कि अब देखिए इस सारे टर्म में मेरे को साइन एच बाई टू कॉमन दिख रहा है तो साइन एच बाई टू को बुला लेता हूँ बाहर कहता हूँ कि आ जाओ भाई बाहर आ जाओ लिमिट एच टेंस टू जीरो
अपन इसको बुला देते हैं बाहर, क्या कॉमन क्या क्या आ सकता है, टू भी आ सकता है, नहीं टू साइन एच बाई टू। तो अपन टू को इधर रखता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ बाकी, और यहाँ पे टू बाहर निकाला तो क्या बचा कॉस, और देखिए टू से डिवाइड होगा तो एक्स प्लस एच बाई टू माइनस, यहाँ भी टू निकल चुका है और ये टू से डिवाइड होगा तो ये भी बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच बाई टू, और ये ब्रैकेट बंद। अपन और क्या निकाले यहाँ से, साइन एच बाई टू, तो अपन साइन एच बाई टू को बोलता हूँ भाई इधर आ जाओ साइन एच बाई टू, और इस पूरे के अपॉन में एच था तो मैं क्या करता हूँ ना कि भाई इसको दे देता हूँ एच। क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ए बी बाई टू है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ए इंटू बी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं अपन को ऐसा भी बोले तो, ठीक है समझ आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक देखिए जरा, अब क्या करते हैं ना कि यहाँ h बाई टू चाहिए था अपने को, तो h बाई टू है नहीं तो अपन टू से डिवाइड कराते हैं, टू से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है क्या, ये वाला टर्म पूरा वन बन जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में टू आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा उसको लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये बन गया कितना cos x प्लस एच बाई टू, कॉस एक्स प्लस एच बाई टू और माइनस साइन एक्स प्लस एच बाई टू, और ये बना। अब मैं बोलता हूँ भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो डाल लो, क्योंकि अपन को अब दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे जीरो डालोगे तो आप जीरो बाई टू ये जीरो हो जाएगा तो ये कॉस एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन एक्स। तो अब लिमिट डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस जीरो और ये माइनस में साइन एक्स प्लस जीरो, तो बन क्या आ गया, चूंकि लिमिट आप डाल चुके हैं तो ये बन गया कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है ये बन गया और हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, अब उसको आप करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे और आगे का लेक्चर भी हम प्रोसीड करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम देते हैं, ठीक है आप ध्यान से लिख लीजिएगा इसको। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, ठीक है। देखिए जरा होमवर्क आपको मिल रहा है, जीवन सुख दुख का संगम है। होमवर्क क्या है आपको, पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है वन बाई रूट अंडर टू एक्स, देन फाइंड एफ डैश एक्स। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ वन बाई कॉस रूट एक्स, देन फाइंड एफ डैस एक्स, देन अपन को ये फाइंड एफ डैस एक्स ही लिखना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन भी आपको दे दो, तीन क्वेश्चन हम बात है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है टेन एक्स डिग्री बाई टू, देन फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को करके आप बना के रखेंगे, साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को बता देंगे कि ये सर नहीं हो पा रही, मैं इस सारे को सॉल्व कर दूंगा, सारे का डिटेल सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अपन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं, फार्मूला सब बताएंगे, उसमें कैसे डिफरेंशिएशन यूज होता है, उसमें उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं फार्मूलेज को, उसके मदद से बड़े बड़े डिफरेंशिएशन को हम लोग इजीली बना लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।